अरे युसरा, तुम खाली आती आ गई। मेरा तो ख्याल था मिठाई का डब्बा होगा तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? मैं तो समझ रहा था घर से फोन आ चुका होगा तुम्हें अभी तक। कैसा फोन? सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं तो बस अभी चाचा और चाची को मुबारकबाद देकर आ रहा था। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। भाई कैसी मुबारक? वो मिसेस चौधरी आई थी तुम्हारे घर, खुशखबरी देकर गई है। वो जिन लोगों को लेकर आई थी उन लोगों को कोई एतराज नहीं है तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ने में। अब तो मिठाई बनती है, खिलाओगी ना? युसरा जी। अम्मी आ गई। बेटा जी, बाबा ने दवाई खाई? हाँ, मैंने खुद दी थी दवाई उन्हें। तुम्हें तो पता है वो कितने सुस्त हैं दवाई खाने के मामले में। अम्मी आप परेशान लग रही हैं। वो बेटा मिसेस चौधरी आई थी आज। जी मुझे मालूम है। किसने बताया? एक ही तो है जिसे हमसे पहले हमारे घर की हर खबर होती है, सिराज। फिर तो उसने भी बता दिया होगा कि वो क्यों आई थी। जी बता दिया। भाई जीनत, मुझे ये बताओ कि युसरा को इस बात का कैसे पता चला? मैंने मना भी किया था कि उससे बात ना करना, उसे दुख होगा। मेरे बताने की तो नौबत ही नहीं आई, उसे सराज ने बाहर ही बता दिया था। एक तो मिसेस चौधरी की ये आदत बहुत बुरी है, जब तक बात 10 लोगों को बता ना दे उसे चैन नहीं पड़ता। सिराज की भी तो आदत है ना सुनगुन लेते रहने की। अगर मिसेस चौधरी ने बता ही दिया था तो क्या जरूरत थी युसरा को मुबारकबाद देने की? अरे भाई उसने तो हमदर्दी में बात की होगी ना, जाहिर है कजन है उसका। ज्यादा ही हमदर्दियां जताने लगा। अब तुम फारिस और उसकी माँ का गुस्सा सिराज पर निकालोगी क्या? फारिस और उसकी माँ पे गुस्सा उतारना होता ना तो उसी वक्त मिसेस चौधरी के साथ जाती और ढेरों सुनाकर आती। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ बात की है। मानना या ना मानना ये तो हमारे इख्तियार में है ना। जिन लोगों की बेटियां नहीं होती वो बेटी वालों के जज्बात की परवाह क्यों नहीं करते? अच्छा चलो अब बस करो। तुम देख लेना, अल्लाह ने चाहा तो हमारी युसरा का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर होगा। जरूर।